दोस्तों, फेसबुक से आज की डेट में कौन नहीं चाहता पैसे कमाना। हर एक इंसान का यही निश्चय है कि भाई मैं फेसबुक से पैसे कमा लूं। बट फेसबुक से पैसे कमाने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है फेसबुक का क्राइटेरिया कंप्लीट करना। अब क्राइटेरिया जैसे ही वो कंप्लीट करता है तो उसका क्राइटेरिया भाई 60,000 मिनट जो फेसबुक ने दे रखा है कि आपको ये कंप्लीट करना है, बट वो आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो अगर बढ़ जाता है तो वो बाद में घट जाता है। तो वो आखिर क्यों घटता है, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर आपका फेसबुक का 60,000 एलिजिबल मिनट जो क्राइटेरिया है वो क्यों आपका घटता है। तो पूरा वीडियो को समझ लो बारीकी से, यहां पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर वो घटता क्यों है और बढ़ता क्यों है। तो वीडियो करते हैं शुरुआत। अब फेसबुक का क्राइटेरिया क्यों घटता है, मैं आपको इस डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर में आपने 1 जनवरी को यहां पर एक वीडियो अपलोड करी। अब 1 जनवरी को एक करी, फिर उसके बाद में आपने 15 जनवरी को अपलोड करी, उसके बाद आपने जो है लास्ट जनवरी में अपलोड कर दी। ठीक है, यहाँ पर आपने 1 महीने में 3 वीडियोस अपलोड करी। उसके बाद आपने फरवरी महीना आया, फरवरी के आपने जो है 10 तारीख को अपलोड करी, उसके बाद 20 तारीख को करी एंड उसके बाद लास्ट 28 तारीख को आपने वीडियो अपलोड कर दी। यानी कि 2 महीने के अंदर आपकी 6 वीडियो जो है फेसबुक के प्रोफाइल या पेज पर आ गई। अब प्रोफाइल पेज पर जब आ गई, अब आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी यानी 7वीं वीडियो होगी, तो वो 7वीं वीडियो होगी आपकी यानी कि मार्च के 10 तारीख की। अब मार्च के 10 तारीख की जब आप वीडियो यहां पर अपलोड करोगे, मार्च के 10 तारीख की वीडियो ये हो गई, तो यहां पर ये वाली वीडियोस का वॉच टाइम खत्म हो जाएगा, इस वाली वीडियोस का वॉच टाइम माइनस हो जाएगा और इन वाली वीडियोस का वॉच टाइम काउंट होगा। यानी कि यहां पर 6 वीडियो हैं अगर आप इस कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं तो, वरना आप ज़्यादा कर रहे हैं तो वो उसी हिसाब से होगा। तो जब प्लस इधर का वीडियो अपलोड करोगे टाइम के हिसाब से, तो इधर वाले का तो हो जाएगा काउंट और इधर वाले का होता रहेगा माइनस। तो इसलिए हमें ये लगता है कि हम जो वीडियो अपलोड करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, 2-4 वीडियो डाली उसमें से एक वीडियो काफ़ी अच्छी चली और अच्छी चलने के बाद में क्राइटेरिया हमारा जो है बड़ा हो गया। जब क्राइटेरिया हमारा यहाँ तक हो गया, फिर हम सोचे कि हमें कोई वीडियो नहीं मिली या टॉपिक ना मिला या हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी, तब हमने देखा कि अगले वीक में हमारा वीडियो वॉच टाइम यहाँ दिखा रहा है। तो जब हमारा यहाँ दिखा रहा है तो उसका यही रीज़न है कि अगली जो कंसिस्टेंसी थी वो हमने मेंटेन नहीं करी, यानी कि अपने फेसबुक पेज पे या फेसबुक प्रोफाइल पे हमने वो मेंटेन नहीं करी, इसलिए हमारा जो वॉच टाइम है वो घट गया। तो सीधी सी बात, अगर आप 1-2 महीने में 6 वीडियो अपलोड कर रहे हो तो 7वीं वीडियो का जो वॉच टाइम काउंट अपलोड करोगे तो आपकी शुरुआत वाली वीडियोस का वॉच टाइम यहां से माइनस हो जाएगा, अगली वाली का जुड़ेगा जो आपने रिसेंट में डाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 60 दिन के अंदर अंदर का वॉच टाइम है वो आपका फेसबुक क्राइटेरिया बेस में ऐड होगा, और अगर आपने इधर को कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करी तो आपका इधर से माइनस होता रहेगा। इसलिए हमें लगता है कि हमारा जो वॉच टाइम है फेसबुक का, मिनट वॉच टाइम है, वो कम होता रहता है। तो कम नहीं होता है, आपको 60 दिन के अंदर अंदर का वॉच टाइम फेसबुक पर चाहिए फेसबुक से पैसा कमाने के लिए। अब इसको मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी के साथ में वीडियो अपलोड करते जाना है। जब आप कंसिस्टेंसी के साथ में 60 दिन तक वीडियो अपलोड करोगे, उसमें से एक वीडियो वायरल हुई और आपका वॉच टाइम यहाँ पर काउंट हो गया। जब आपका वॉच टाइम यहाँ पर काउंट हो गया तो आप अपने पेज को, प्रोफाइल को मोनेटाइज करके फेसबुक से पैसे कमा सकते हो। तो आई होप दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप इस वीडियोस को देख के आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अगर सब कुछ समझ आया तो प्लीज वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पेज पर इस वीडियोस को देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे रिलेटिव कॉन्टेंट हमेशा हम आपको अपलोड करते रहते हैं। फिलहाल चलता हूँ एक नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ। ओके, बाय, जय हिंद, जय भारत।